डाउनलोड करें JEE AB 360 बाय आदर्श बर्णवाल, और यहाँ पे यार आप लोगों को कॉलेज प्रिडिक्टर का ऑप्शन मिलता है। कॉलेज प्रिडिक्टर में जाएं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज प्रिडिक्टर है JEE मेंस एडवांस के लिए, WBJEE के लिए। इस प्रिडिक्टर में जाके आप अपनी रैंक और EWS है, जनरल है, जो भी है वो डालें, और नंबर ऑफ कॉलेजेस जो जो आप लोगों को मिल सकते हैं वो आप लोगों को दिख जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक WBJEE कॉमेट के। और इस ऐप पे आप लोगों को टैप टू सी रिसेंट अपडेट्स मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को रिसेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जोसा की यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है कि कब उनकी डेट्स होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो की जरूरत होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में यार, ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड अभी आपको जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरत है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, कितने राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ही साथ लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर में किस तरीके से काउंसलिंग हुई थी उसकी एक डेमो वीडियो आप लोगों को 5-6 मिनट की वो डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि पोर्टल किस तरीके से काम करता है, काउंसलिंग किस तरीके से होती है, चॉइस आप लोग किस तरीके से फिल करते हो। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। एक और मेजर अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा इस अनाउंसमेंट को। आप लोगों के लिए इस साल हम लोगों ने वन नेशन वन काउंसलिंग स्टार्ट किया है, पार्टनर किया है हम लोगों ने एक कंपनी से, जिसमें आप जो कि आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशंस वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसका नाम हम लोगों ने रखा है यार वन नेशन वन काउंसलिंग। तो कई सारे आप में से बच्चे हो सकते हैं यार, उनकी रैंक है फॉर एग्जांपल 10,000, उनकी रैंक है 20,000, 50,000, किसी की 2,00,000 रैंक होगी, किसी की 4,00,000 रैंक होगी। अब उनको ये पता ही नहीं है यार कि उस रैंक पे वो कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जोसा में हम लोगों को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो वो सारे बच्चे यार मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उस काउंसलिंग की यार हम लोगों ने प्राइस रखा है। देखिए बहुत सारी चीज़ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ यार, हमारी एप्लीकेशन भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उस चीज़ की कॉस्ट हम लोगों ने 1100 रुपीज़ रखा है, जो कि बहुत ही जेन्युइन है। आप लोगों को आपके रैंक के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी रैंक 20,000 के अंदर है, आपकी रैंक 50,000 के अंदर है, आपकी रैंक 1,00,000 के अंदर है, आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा। उस ग्रुप्स में जितनी भी काउंसलिंग हो रही है और जितने भी कॉलेजेस है जिनकी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आएगी, उसके बारे में आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ई बुक्स दी जाएगी, और रैंक वर्सेस कॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन से कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, और ये पर्सनलाइज्ड होने वाला है। लेकिन एक बात इसमें आप लोगों को नोट डाउन करके रखना यार, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले, कि अब ऐसा मत सोचिएगा कि फॉर एग्जांपल ये मैं जो पैसे दे रहा हूं और पेमेंट कर रहा हूं तो तुरंत मेरे से ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आप पेमेंट करेंगे एक दिन के अंदर, फॉर एग्जांपल आज आपने पेमेंट किया, सबसे पहली बात तो ये कि लिमिटेड सीट्स है, हम लोग बहुत ज्यादा बच्चों को इसमें नहीं ले सकते। तो फॉर एग्जांपल 500 या 1,000 बच्चों को हम लोगों ने सोचा है कि वो लेंगे, उनके बाद ये अपने आप मैं यहां से लिंक भी हटा दूंगा जब वो चीजें पूरी हो जाने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वन नेशन वन काउंसलिंग में वहां से पार्टिसिपेट कर लेना है, और आपने जैसे ही पेमेंट किया और पार्टिसिपेट किया, इन्फॉर्मेशन आपके हमारे पास आ गई, तो एक दिन के अंदर 24 घंटे या फिर 30 घंटे के अंदर वो आप लोगों को एक अलग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखने की वो जरूरत है, और लेकिन इसमें पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगा, वेबिनार्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, और वेबिनार के द्वारा आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कौन से करियर ऑप्शंस को आप लोग चूज कर सकते हो, किस चीज़ में आप लोगों के लिए आगे फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है, कौन से कॉलेज को आप लोगों को चूज करना चाहिए, फॉर एग्जांपल यूपी में कौन से कॉलेज को चूज कर सकते हैं, दिल्ली में कौन से कॉलेज को चूज कर सकते हैं, वो सारी ही इन्फॉर्मेशन वेबिनार के थ्रू आप लोगों को मिलेगी। तो इसीलिए देर नहीं कीजिए, लिमिटेड सीट है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं और काउंसलिंग की वीडियो को। सबसे पहले हम लोग यार शेड्यूल को देख लेते हैं कि शेड्यूल किस किस डेट में हम लोगों की कौन कौन से इवेंट्स जो है वो होने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि 11 तारीख को 11 सितंबर को आप लोगों का जेईई एडवांस का रिजल्ट वो अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद सितंबर 12 से आप लोगों के लिए काउंसलिंग यार स्टार्ट हो जाने वाली है। सितंबर 12 से आप लोगों के लिए ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग चॉइस फिल और रजिस्ट्रेशन वगैरह वो कर सकते हो। अब मैं यार अभी जैसे कि आगे मैं चल के और भी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा, उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस साल हम लोगों ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया आप लोगों के लिए वन नेशन वन काउंसलिंग का, जिसकी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। सितंबर 20 आप लोगों का लास्ट डेट होने वाला है, और यहाँ पे कैंडिडेट कैन लॉक देयर चॉइसेस, यहाँ पे मतलब अपना जो भी कैंडिडेट हो आप अपना चॉइस को जो वो लॉक कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो 23 सितंबर को हमारी फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे स्टेप्स करना पड़ता है, जैसे कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फी पेमेंट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, तो ये सारे स्टेप्स जो है वो होंगे यार, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आप इस वीडियो में ही आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से काउंसलिंग की जाती है पिछले साल के हिसाब से डेमो करके। और उसके बाद लास्ट डे आप फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट राउंड में आपकी कोई भी क्वेरी आई, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्वेरी आपको सॉल्व करने का लास्ट डेट होगा 27 सितंबर का, ठीक है। उसी तरीके से फिर राउंड टू की काउंसलिंग होगी, राउंड थ्री की काउंसलिंग होगी, 4, 5 और 6 राउंड की काउंसलिंग होगी। तो इस साल भी यार आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले तक राउंड 7 तक चलता था, बट लास्ट 2 सालों से राउंड 6 तक ही काउंसलिंग हो रहा है, तो राउंड 6 की काउंसलिंग होगी। और यहाँ पे यार आप लोगों का
ये जो IITs के लिए है यार, ये IITs के लिए फाइनल राउंड इसको माना जाता है। इसके बाद IITs में और कोई फर्दर राउंड्स नहीं होते हैं। हाँ, NITs में अगर सीट बाकी रह गई तो CSEB राउंड का वो प्रचलन होता है। तो राउंड 6 की जो यार जो फाइनल डेट्स हैं वो है 17 सितंबर को, जहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरी वगैरह को सॉल्व वगैरह वो कर सकते हो। और एडमिशन वगैरह के लिए जो इसमें लास्ट डेट दी गई है यार, जिसमें आप लोग को पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करनी है, उसका लास्ट डेट जो दिया गया है वो है अक्टूबर 19 का। अभी हम लोग सबसे पहली बात ये, अगर आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जाइए एडवांस की जो परीक्षा है उसको पास करना पड़ेगा और उसमें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जाके आप लोगों को IITs में एडमिशन मिलेगा। वहीं अगर आपको NITs या IIITs में अगर एडमिशन चाहिए होगी तो इसके लिए आप लोगों को JEE मेंस का अगर आपने BTech का पेपर दिया है या फिर BRK और BPlan का पेपर दिया है उसके हिसाब से आप लोगों का एडमिशन वगैरह वो होता है। ठीक है, यहां पे जो भी मैंने हाईलाइट करके पॉइंट रखा है उस चीज को अगर आप चाहें थोड़ा सा पॉज करके भी देख लीजिएगा। प्रोसेस आप लोगों के लिए होने वाली है, इस बार की भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है यार वो काउंसलिंग प्रोसेस आप लोगों के लिए ऑनलाइन होने वाली है, तो उस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि ऑनलाइन ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा और ऑनलाइन ही आप लोगों का सीट अलॉटमेंट होगा। हाँ, जब आप लोगों को सीट वगैरह मिल जाएगी, जब आप एडमिशन ले लोगे, तो आप लोगों का एक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि आप लोगों को कॉलेज में जाके वो करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा बताई गई थी। दूसरी बात ये यार कि यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं यार, जैसे कि फॉर एग्जांपल IIT में जो होता है वहाँ पे कोई होम स्टेट कोटा या फिर अदर स्टेट कोटा नहीं होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल NITs ले लें, IIITs भी नहीं, IIST सिपुर ले लें और PEC चंडीगढ़ जैसे कॉलेजेस में जो है वो होम स्टेट कोटा भी होता है और अदर स्टेट कोटा भी। इसका मतलब ये है कि 50% जो सीटें होती है वो होम स्टेट के बच्चों के लिए होती है और 50% जो सीटें होती है वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, होने वाला है। ठीक है, और एक बात, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया इस बार नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, तो इस बार यार अभी तक सीट मैट्रिक्स दिया नहीं गया है। जब सीट मैट्रिक्स अपडेट की जाएगी तो मैं आप लोगों को YouTube वीडियो पे करके बता दूंगा। ठीक है, अच्छा कई सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया क्या हम लोग जब हम लोगों की काउंसलिंग हो रही होगी तो काउंसलिंग के वक्त हम लोग कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उससे ही पहले यार, जब आप लोग काउंसलिंग करोगे तो 6 राउंड तक जो आप लोगों की काउंसलिंग होती है वहाँ पे आप लोगों का जो आपकी कैटेगरी रैंक होती है वो कैटेगरी रैंक मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक OBC स्टूडेंट हो, आपकी जनरल रैंक है 50,000, आपकी OBC रैंक है 25,000, तो आपकी जो एडमिशन होगी वो जनरल रैंक से नहीं होगी, आपकी एडमिशन जो होगी यार वो होगी आप लोगों के लिए आपकी कैटेगरी रैंक से। ठीक है, और 6 राउंड के बाद ऐसा होता है यार कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप CSEB राउंड के लिए वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो इन दैट केस यार वैसे बच्चे जो हैं या उस राउंड में जो बच्चे होंगे वो बच्चों की जो एडमिशन होती है वो ऑल इंडिया रैंक पे होती है। अच्छा, आप कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया हम लोग की पर्सनल डिटेल्स वगैरह आप चेंज करने का वहाँ पे हम लोग को ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप लोग जोसा की वेबसाइट पर आप लोग रजिस्टर करोगे यार, तो उस समय यार आप लोगों को कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12th और इक्विवेलेंट में आपने कौन सा बोर्ड लिया और बर्थ कैटेगरी, ये सब चीज़ चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप चाहो तो अपनी कोड ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज कर सकते हो, नेशनलिटी चेंज कर सकते हो, प्लेस ऑफ पासिंग, क्लास 12th एग्जामिनेशन जो है मतलब होम स्टेट कोटा जो है उस चीज को आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी डिटेल्स को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस साल भी यार जो फीमेल न्यूमररी सीट्स है उसको 20% ही रखा गया है। पहले ये 16% हुआ करता था, फिर 18% हुआ, 20% फीमेल न्यूमररी सीट्स है। ये एक्स्ट्रा सीट्स दी गई हैं ताकि गर्ल्स को, ऐसा कहा जाता है कि IITs वगैरह में क्योंकि नंबर ऑफ संख्या बहुत गर्ल्स की कम है तो 20% सीटें एटलीस्ट लड़कियों के लिए हो, इसी वजह से इस सिस्टम को लाया गया है। इस सिस्टम से यार लड़कियों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। फॉर एग्जांपल JEE एडवांस के दौरान आपकी रैंक अगर 15,000 आई है या 16,000 आई है तो हो सकता है कि आपको आपके मनचाहे ब्रांच पे एडमिशन नहीं मिले। तो फॉर एग्जांपल एक कोई कॉलेज है, फॉर एग्जांपल IIT जम्मू में अगर एक कोई सीट है जिसमें एक लड़के को एडमिशन के लिए अगर 14,000 रैंक चाहिए, तो उसी सीट पे किसी एक लड़की का एडमिशन अगर उनका थोड़ा खराब भी रैंक होता है, फॉर एग्जांपल 20,000 या 25,000 रैंक भी होता है, तो भी उसकी वहाँ पे एडमिशन हो जाती है। तो ये हो गया हमारा यार फीमेल न्यूमररी सीट्स होने का फायदा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है यार, वही चीज़ मैंने बताई है कि IIT मस्ट हैव एटलीस्ट 20% फीमेल स्टूडेंट ऑल टुगेदर, और इसमें क्या है कि तो बेसिकली वो लोग का एडमिशन जो होगा वो फीमेल मतलब न्यूट्रल सीट जो होती है उस पर होगा। अगर कोई आप नॉन फीमेल स्टूडेंट है, अगर मान लो कि आप एक लड़के हो, आप सोचोगे कि नहीं मैं उस पर अप्लाई कर देता हूँ, तो उस पर आप लोगों की एडमिशन्स वगैरह वो नहीं होगी। ठीक है, और बताया गया यहाँ पे फॉर NITs, IIITs, IIST सिपुर एंड सम ऑफ द IIITs देर विल बी एटलीस्ट 20% फीमेल्स, तो वहाँ पे भी यार 20% फीमेल्स का जो है वो सिस्टम बना दिया गया है। इसके बाद हम लोगों का पार्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन का यार। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रजिस्ट्रेशन की डेट्स आ चुकी है, जिसके ऊपर हम लोगों ने शुरुआत में ही डिस्कशन कर लिया था, तो वहाँ पे अपने आप JEE मेंस या फिर JEE एडवांस के जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप लोग वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। अभी आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में भी। और उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिल करना पड़ता है, चॉइस फिल करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं आप लोगों को। चॉइस फिल करने के बाद
अगर आप जेई एडवांस या जेई मेंस या जेई मेंस के किसी भी पेपर के लिए एलिजिबल है उसके हिसाब से आप लोगों का वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स वगैरह वो दिखने लगेगी कि कौन कौन से ऐसे सीट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं जिसमें आप अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद फिर आप लोगों का अप्लाई वाला प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग सबसे पहले अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद फिर हो सकता है कि आप लोगों को सीट मिले या नहीं मिले। अगर आप लोगों की सीट अलॉटमेंट हो जाती है इन दैट केस आप लोगों को सीट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और वहाँ पर ऑप्शन आता है आप लोगों के पास तीन कि आप फ्रीज करना चाहते हो, स्लाइड करना चाहते हो या फ्लोट करना चाहते हो। और उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोगों को वहां पे एक सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ता है। सीट एक्सेप्टेंस फी कितनी है भैया वो मुझे बताइए। सीट एक्सेप्टेंस फी यार जो जनरली अगर आप फॉर एग्जांपल एससी स्टूडेंट हो, एसटी हो, जनरल पीडब्ल्यूडी हो और या फिर कोई भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो, इन दैट केस आप लोगों की जो फीस है वो 15,000 होने वाली है। लेकिन अगर आप जनरल स्टूडेंट हो, ओबीसी स्टूडेंट हो, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हो, इन दैट केस आप लोगों की जो फीस है वो 35,000 होने वाली है। अब फॉर एग्जांपल आपने यार सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया और लास्ट में आप चाहते हो कि नहीं मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो 3,000 रुपए इसमें से यार जोसा की प्रोसेसिंग चार्जेस है जो कि आप लोगों के लिए वो कट जाएंगे। इस चीज को आप लोगों को इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है। अब जैसे यार आप लोगों का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, हो सकता है कि आप लोगों को सीटें मिले या फिर हो सकता है कि सीट नहीं मिले। अगर सीट नहीं मिले फिर कोई बात नहीं, अगर सीट मिल जाती है तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ क्वेरीज आ सकती है, उस क्वेरीज को आप लोगों को यहाँ पे इसी मतलब ऑनलाइन ही आप लोगों को क्वेरीज आएगी, उस क्वेरीज को आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। तो इस चीज को आप लोगों को दिमाग में रखना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार कि हम लोग जो नीचे में डिस्क्रिप्शन पे मैंने आप लोगों के लिए वन नेशन वन काउंसलिंग का जो इस बार अनाउंसमेंट किया है जिसमें आप लोगों को वो सारी ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो आप लोगों को अलग अलग ग्रुप में मैंने जैसे कहा कि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और या फिर अगर अलग अलग ग्रुप में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा तो एक ग्रुप में आप लोगों को चैनलाइज कर दिया जाएगा जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएंगी ताकि आप लोगों के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिस ना हो। तो बस 1100 रुपये में है जहाँ पे आप लोगों को ऑल इंडिया की जितनी भी काउंसलिंग है उनमें से ज़्यादातर काउंसलिंग को हम लोग कोशिश करेंगे कि कवर करें उसके अंदर। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और नंबर ऑफ सीट्स वो लिमिटेड है, तो आप लोग अप्लाई अगर करना चाहें तो वो अप्लाई वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये यार कि अगर आप लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए अगर आप नहीं करते हो इन दैट केस आप लोगों की सीट वगैरह जो वो काउंसलिंग कैंसिल वगैरह वो हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट री-वेरिफिकेशन। अगर आप NIT प्लस सिस्टम वगैरह कुछ भी चीज़ को आप लोग चुनते हो तो बाद में आप लोगों का एक इंडिपेंडेंट री-वेरिफिकेशन होगा, ताकि आप लोग कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ गड़बड़ी होती है फिर भी एडमिशन्स वगैरह हो जाता है, तो वो चीज़ों को चेक किया जा सके। उसी के साथ साथ फिजिकल वेरीफिकेशन फॉर PWD कैंडिडेट, जो बच्चे PWD हैं उन बच्चों के लिए फिजिकल वेरीफिकेशन नेसेसरी है IITs में एडमिशन लेने के लिए, तो उन चीज़ों के ऊपर आप लोग थोड़ा बहुत वो ध्यान वो दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डेट भी लिखा गया है कि फिजिकल वेरीफिकेशन कब से स्टार्ट है, जैसे कि 12 सितंबर से स्टार्ट है, तो आप लोग जाके अपनी फिजिकल वेरीफिकेशन वगैरह करा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि रिपोर्टिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट एट द कंक्लूजन ऑफ, जब आप लोगों की जेई मेंस की जोसा काउंसलिंग वगैरह जब कंप्लीट हो जाएगी और सीट एक्सेप्ट आप कर लोगे तो आप लोगों को एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा और सारे एडमिशन की फॉर्मेलिटीज वगैरह को वो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और IITs के लिए क्या है यार, वहाँ पे आप लोगों का बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जब आपने एग्जाम दिया तब भी आप लोगों का बायोमेट्रिक लिया गया, और जब आप लोग एडमिशन लोगे तब भी आप लोगों का बायोमेट्रिक लिया जाएगा। उन बायोमेट्रिक में अगर आप लोगों का दोनों जगह मैच नहीं होता है तो आप लोग की एडमिशन्स वगैरह वो कैंसिल वो हो सकती है ना। तो प्रोसेसिंग चार्ज जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 3,000 रुपये है यार, है ना। और रिमिटेंस ऑफ पार्शियल एडमिशन फी, फॉर एग्जांपल 6 राउंड के बाद आप लोगों को कोई एक NIT मिल जाता है, इन दैट केस आप लोगों को एक रिमिटेंस फी पे करनी पड़ती है 20,000 या फिर 40,000। अब इसमें यार आप लोगों को घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप जितने भी रुपए पे करेंगे वो सारे ही पैसे आप लोगों की एडमिशन के समय वो कट जाएगी या फिर कैंसिल हो जाएगी। तो ये जितने भी पैसे आप लोग पे करोगे ये सारे ही पैसे बाद में मैनेज हो जाने वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं जोसा से कैंसिल कर दूं, अगर आप चाहते हो कि मेरे पैसे वापस आ जाएं, तो 6 राउंड से पहले मतलब कि यानी कि 5th राउंड में ही आप लोगों को अपनी जो सीट है उस सीट को वापस लेना पड़ेगा। आप लोगों को एक फॉर्म फिल करके जमा करना पड़ता है ताकि आप लोगों की वो सीट वो आप चाहते हो कि मैं फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करूं तब आपके पैसे आएंगे। अगर आपने लास्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लिया, आपको कोई सीट मिल गई और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, इन दैट केस आपके पैसे वगैरह वो रिफंड भी नहीं हो। इस बार यार क्लास 12th की जो पासिंग क्राइटेरिया है 75% ना रख के सिर्फ और सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लैंग्वेज और कोई भी सब्जेक्ट में। तो अगर आप पास है किसी भी सब्जेक्ट्स में तो आप अप्लाई वगैरह वो कर सकते हो, ठीक है। 2020 2021 और 2022 वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और शेड्यूल के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो शेड्यूल ये रहा। अब हम लोग यार देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जरूरत पड़ते हैं। सजेस्टेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो आप लोगों का क्लास 10th का मार्कशीट है, क्लास 12th की मार्कशीट है। अब इसमें यार आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ वाली भी चीजें आ जाती हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आ जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि एकदम रिसेंट होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद वाला, तो ऐसे सर्टिफिकेट्स की जरूरत होंगी यार आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट जगह से और कौन कौन स्टेट से किस किस तरीके से बनती है, तो वो चीज़ें की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। आप लोग अगर ऑफिशियल जो इसकी जोसा की जो गाइडलाइंस है उसको डाउनलोड करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। और एक क्रॉस बैंक चेक की भी जरूरत पड़ेगी यार, क्योंकि इसी बैंक चेक पे आप लोगों का फिर जो क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह दी गई रहती है। इसी में अगर फॉर एग्जांपल लास्ट में अगर आप ऐसा हो कि आप अपने आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो इसी में आप लोगों का वो पैसा वगैरह वो रिटर्न हो जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट्स की भी जरूरत होती है यार,
है ना, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक नीचे डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे दिया हुआ है, उस मेडिकल फॉर्मेट पे आप लोगों को सर्टिफिकेट नया नया बनाना पड़ता है, जोसा के 2022 के फॉर्मेट पे आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है, और एडमिट कार्ड और पासपोर्ट वगैरह की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली यार IIT के लिए भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है ना, जैसे कि इसमें क्लास 10 की मार्कशीट है, क्लास 12 की मार्कशीट है, अब सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना जरूरी है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल काउंसलिंग के वक्त जाएंगे तो आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत होगी। सिमिलरली यार यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, क्रॉस बैंक चेक जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, मेडिकल सर्टिफिकेट की जैसे कि मैंने हम लोगों को बात की, और अगर यार जो बच्चे इंडिया के नहीं है तो उन लोगों को यार पासपोर्ट या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट एप्लीकेबल जिन बच्चों के लिए है उन बच्चों को वहाँ पे अप्लाई वगैरह वो करना पड़ेगा। अगर आप PWD स्टूडेंट हो तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद जो डिसेबिलिटीज़ है वो आप लोगों को वहाँ पे शो करनी पड़ेगी, प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे यार वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वो 1 अप्रैल के बाद की बनी हुई हो, है ना। और यहाँ पे आप जितने भी सारे दिए गए हैं यार इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी दिए गए हैं आप लोग चाहें तो एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, देख लीजिए। और यहाँ पे अगर आप काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हैं तो इन दैट केस कौन सी फॉर्म को फिल करनी पड़ेगी उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आप चाहें तो इसको भी पॉज करके वो देख, और काउंसलिंग को यहाँ पे भरते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जेई मेंस की एप्लीकेशन नंबर डालनी है, और उसके बाद डालना है आप लोगों को पासवर्ड, और उसके बाद फिर आप लोगों को सिक्योरिटी पिन डाल के लॉग इन करना है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से जेई मेंस की एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉग इन करके आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों के लिए यार इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, तो इसके ऊपर आई एग्री के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप लोगों की सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी होगी। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि क्या आपने AAT की एग्जामिनेशन दे रखी है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है नो, जेई एडवांस की रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी रैंक जो भी आई है वो सारी चीज़ें दिख रही है। जैसे कि हमारा यहाँ पे जेई मेंस में रैंक था 19,694 और जेई एडवांस में रैंक था 14,792, वो दोनों चीज़ें दिख रही है। और यहाँ पे आपका जेंडर मेल है, नेशनलिटी इंडियन है, क्लास 12th आपने इंडिया से दिया है, और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बिहार है। अगर आपको इसको अभी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान रहे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपका मतलब आपको उस जगह का भरना है जिस जगह से आपने क्लास 12th की परीक्षा दी है। सपोज आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो लेकिन आपने महाराष्ट्र से क्लास 12th की परीक्षा दी है तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी महाराष्ट्र हो जाएगा। जो भी चीज़ें मैंने भरी है वो सारी ही चीज़ें सही भरी है या नहीं भरी है उसको आप लोगों को एडिट क्रेडेंशियल्स के ऊपर भी जा सकते हैं और कन्फर्म रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर से दोबारा उन चीज़ों को चेक कर लेना है, जेंडर, नेशनलिटी, क्लास 12th आपने कहाँ से पास किया है और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, और इन सारी ही चीज़ों को करने के बाद आप लोग कन्फर्म रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें। हम लोगों ने यार अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लिया है। यहाँ पे आप लोगों को कैंडिडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चॉइसेस अवेलेबल, कौन कौन से चॉइसेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, चॉइस फिलिंग, आपने जो चॉइस फिल किया है वो वाली ऑप्शन, और चॉइस लॉकिंग का आप लोगों के सामने ऑप्शन आ रहा होगा। ध्यान रहे ये जो चॉइस लॉकिंग वाला ऑप्शन है इसको आप लोग तभी लॉक कीजिएगा जब आप 100% कन्फर्म हो जाए कि जो मैंने चॉइसेस भरी है वो सारी चॉइसेस मैंने सही भरी है, क्योंकि एक बार आपने चॉइस लॉक कर दिया दोबारा आप लोगों को चांस नहीं मिलेगा रीअरेंज करने का अपने चॉइसेस को। तो हमारे केस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो मतलब अवेलेबल चॉइसेस जो है वो 708 है। सारे बच्चों के लिए ये नंबर ऑफ चॉइसेस वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि किसी ने बी प्लानिंग दिया होगा, किसी ने बी आर्किटेक्चर दिया होगा, किसी ने AAT की एग्जामिनेशन दी होगी, किसी की जेई एडवांस एग्जामिनेशन क्लियर ही नहीं हुई होगी, सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर हुआ होगा। तो सारे बच्चों के लिए टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चॉइसेस अलग होंगे, और हमने अभी तक जीरो चॉइसेस को फिल किया है, अनफिल्ड सारे के सारे हैं, और अभी तक हम लोगों ने लॉक नहीं किया है, ठीक है। और यहां पे हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट एडवाइस बताई जा रही है, क्या यू आर एडवाइज टू फिल अप ओनली दोज choices which you indeed like to accept or join. आप उन्हीं choices को भरिएगा जिस जगह आप पढ़ना चाहते हैं या फिर जिस ब्रांच में आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन, चॉइसेस अवेलेबल चीज ये हो गई। अब हम लोग आते हैं चॉइसेस फिलिंग का। अब यहाँ पे यार आप लोगों को उन्हीं चॉइसेस को फिल करना है जिस जगह पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। आप लोग फिर से इस PDF को एक बार घर पे आराम से देखें और उसके हिसाब से आप लोग चॉइस फिल कर लीजिएगा कि किस जगह भाई मेरे को एडमिशन लेना है। और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ऊपर में चॉइस फिलिंग हो गई, अरेंज फिल चॉइसेस हो गया, मतलब जो चॉइसेस आपने फिल की उसे अरेंज कीजिए, या फिर चॉइस इंटरचेंज आ जाती है, चॉइस रीचेंज आ जाती है, ये सारी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें क्या है कि अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस कौन कौन से आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस कॉर्नर में दिख रही है जहाँ पे मैं येलो कलर का कर्सर से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जगह आप लोगों के लिए जो भी ब्रांचेज अवेलेबल है वो सारी ब्रांचेज यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगी। आप लोग नीचे स्क्रॉल करके ये देख लें कि और मेक श्योर करें कि कौन कौन से ब्रांचेज आप लोगों के लिए है। अब इस जगह इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पे जैसे कि IITs और IIITs कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है ये भी आप लोगों को ब्रांच वाइज या फिर कॉलेज वाइज आप लोग देख सकते हो। ये चीज़ बहुत ही क्रिटिकल है, यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सी सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों को मिल सकती है उसे
उसे आप लोगों को प्रायोरिटी में नंबर वन देना है। उसे आप लोगों को प्रायोरिटी में क्या करना है, नंबर वन देना है। सपोज आपको IIT मुंबई मिल सकती है, लेकिन आपने क्या किया कि IIT मंडी को नंबर वन पे डाल दिया, तो आपको IIT मुंबई नहीं मिलेगी, आपको IIT मंडी मिल जाएगी। या फिर अगर आपको IIT खड़गपुर चाहिए और आपने आपकी रैंक भी उतनी अच्छी है, लेकिन आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने क्या किया कि कोई पीछे वाली IIT, शायद IIT जोधपुर को आपने डाल दिया, तो आपको IIT जोधपुर मिल जाएगी, IIT खड़गपुर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ों को, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का एड बटन आता है, उससे मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ कुछ स्ट्रीम्स को मैंने यहाँ पे चूज किया है। अब ये आपकी प्रायोरिटी वाइज होनी चाहिए कि आपको CSE चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी चीज़ें आपको चाहिए उस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, चूज कर लेना है कि भैया मेरे को तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही चाहिए, तो उसे आप लोग चूज कर लो। ठीक है, ब्रांच वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज, सारे तरीकों से आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे कि आपने IIIT लिखा, IIIT लिखने के बाद आपने NIT को टारगेट किया, NIT को लिखा, NIT लिखने के बाद कौन कौन सी NIT आई वो आपने देख लिया, उस NIT के आने के बाद उस NIT को क्या किया आपने, ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो भी सारी चीजें करना है वो सारी चीजें आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें होंगे जब आपने भर लिया। अब एक और चीज आप लोगों को मजेदार में दिखाता हूं। ठीक है, पहले ये सारी चीज़ों को अपने क्या किया, ऐड जो है वो कर लिया। अब जैसे कि मैं सपोज कि चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे करूँ, वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि भैया एक डाउट आती है ना कि क्या मैं कोई चॉइस को अगर फिल कर दूँ तो हटा सकता हूँ या नहीं हटा सकता हूँ, वो सारी चीज़। पहले सपोज कि आपको NIT जमशेदपुर चाहिए, तो मैंने क्या किया, NIT जमशेदपुर को सेलेक्ट किया। NIT जमशेदपुर को सेलेक्ट करने के बाद जो जो ब्रांचेज मुझे चाहिए उन ब्रांचेज को मैंने क्या किया कि उन उन ब्रांचेज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे कंप्यूटर साइंस सबसे पहले चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेकंड में चाहिए, और कोई फलाना ढिकाना कॉलेज मुझे थर्ड और फोर्थ में चाहिए। ये मैंने सेलेक्ट फिल कर लिया। अब इसमें आप कुछ चाहते हो कि किसी चीज़ को मैं ऊपर करूं, किसी चीज़ को नीचे करूं। ठीक है, सपोज कोई एक चीज़ को आप यहाँ पे चाहते हो कि मैं हटा ही दूं, सपोज इस वाले नंबर को आप चाहते हो कि हटा दूं, तो रिमूव के ऊपर बटन पे क्लिक कर, रिमूव के ऊपर जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो जिस चॉइस को आप हटाना चाहते हो वो चॉइस यहाँ पे हट जाएगी। देखिए हट गई, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करें ओके, ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो चॉइस आपकी हट जाएगी। जब तक आपकी चॉइस फिलिंग मतलब आप सबमिट नहीं करते हो तब तक कुछ भी चेंजेस अगर आप करना चाहो वो चेंजेस आप लोग कर सकते हो। अगर आप किसी ब्रांच को ऊपर करना चाहते हो या नीचे करना चाहते हो, सपोज ऊपर करना चाहते हो तो आपके ऊपर क्लिक करें तो ऊपर हो जाएगी। अगर आप किसी भी कोई भी एक ब्रांच है जिसको आप लोग नीचे करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मालविया इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर है और इलाहाबाद है, इसमें आप लोग इसे डाउन करना चाहते हो तो डाउन के ऊपर क्लिक करें, हो जाए यार डाउन, पता नहीं यार थोड़ा लैपटॉप का थोड़ा इशू आ रहा है, डाउन के ऊपर क्लिक करें तो यार देखिए डाउन हो गई। तो इस तरीके से आप लोग ऊपर या नीचे अपने हिसाब से सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन बात इसमें यही आती है जो एक पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, असल बात इसमें यही आती है, आप लोगों को बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि जो ब्रांचेज आपको सबसे अच्छी ब्रांचेज मिल सकती है उसे आप लोगों को सबसे ऊपर डालनी है, ये नहीं कि नीचे डाल दिए। और उसके बाद क्या होता है कि काउंसलिंग में क्या होता है ना कि काउंसलिंग में ये होता है कि सपोज आपको आपने 20 चॉइस को फिल किया, 20 चॉइस फिल करने के बाद आपको 10वीं नंबर की कॉलेज मिल गई, 10वीं नंबर की कॉलेज मिल गई, तो इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम 10वां नंबर कॉलेज तो मिलेगा ही, और फर्दर राउंड में अगर आपको और अच्छी अगर मतलब और कट ऑफ अगर नीचे जाती है तो 9वां मिल सकता है, 8 वाला भी कॉलेज मिल सकता है, 7 वाला भी कॉलेज मिल सकता है, 6 वाला भी कॉलेज मिल सकता है, 5 वाला भी मिल सकता है, 4 वाला भी मिल सकता है, लेकिन 10th के बाद वाला कॉलेज आपको नहीं मिल सकता है। मतलब बात को समझ रहे हैं, आपने 10 चॉइस को फिल किया और 10 चॉइस को फिल करने के बाद आपको ऊपर वाला कॉलेज जो है वो मिल सकता है, नीचे वाली कॉलेजेस जो है वो सारी कॉलेजेस आप लोगों को कभी भी नहीं मिल सकती।